मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उत्तराखंड भ्रमण के दूसरे दिन अपने पैतृक गांव एवं कृष्ण विधानसभा के अंतर्गत पंचुर में अपने भतीजे के मुंडन कार्यक्रम में शामिल हुए तथा अपने भतीजे अनंत बिष्ट को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। साथ ही परमात्म निकेतन से आए महानुभाव ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री के पैतृक गांव पहुंचकर योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, यमकेश्वर विधानसभा के विधायक रेणु बिष्ट सहित अन्य उपस्थित रहे। योगी आदित्यनाथ की बड़ी बहन ने बताया कि वो अपने 3 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम में अलग अलग कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो अपने भतीजे के मुंडन संस्कार में पहुंचे हैं और उनसे मिलकर काफी खुशी हो रही है। यूके लाइव के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। यहाँ करके बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई और खासतौर पर इस बात के लिए कि मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु की मूर्ति के आवरण के कार्यक्रम को भी यहाँ पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अपने स्कूली गुरुओं के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको खुशी हो रही है, सब मिल रहे हैं, पूरी जनता आ रखी है यहाँ, सब मिल रहे हैं उनसे, सब आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। तो आपसे भी बात हुई होगी, क्या उन्होंने पुराने बचपन के दिनों को याद किया होगा, क्या क्या कहा? नहीं, हमसे अभी ऐसी बात कुछ नहीं हुई। अभी हम मतलब लोगों के साथ मिले, पर ये नहीं कि हम अकेले में अभी नहीं मिले, बातचीत कुछ नहीं है। तो क्या आप बचपन में वो यहाँ रहते थे, उसकी आपको कुछ यादें होंगी कि वो कैसे यहाँ, कुछ आपकी यादें होंगी? बचपन की यादें तो बहुत रहती हैं, वो तो मतलब कोई बड़ा बुढ़ापे तक भी नहीं भूल सकता बचपन की यादें। तो या फिर तो उन्होंने हमारे साथ मतलब छोटे से यार 21 उम्र तक हमारे साथ रहे, स्कूल गए हमारे साथ, सब साथ में खाना खाया सब, तो वो यादें तो हमको पूरी रहेगी हर समय। जैसे आपको कितना गर्व महसूस होता है जैसे वो उत्तराखंड से इस गांव से उठकर यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री हो गए हैं, सांसद रहे हैं और पूरे मतलब देश के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि है, कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। यूपी से जो भी आते हैं सब गुणगान गाते हैं, सब बोलते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। मतलब जैसे होता है कि जो भी मंत्री बनते हैं तो अपने तक सीमित रहते हैं, वो अपने तक सीमित नहीं है ना, उनको अपने स्वास्थ्य की वो है फिक्र ना, वो जनता की सेवा में लगे हैं, कहीं पे भी मतलब कोई कमी नहीं करी उन्होंने किसी के लिए। कहाँ तक आप देखते हैं उनको आगे, कैसा भविष्य देखते हैं आप उसको? जैसे उनका अभी कार्यकाल चल रहा है, जैसे वो अभी उनके बजट ही चल रही है, कैसा लगता है, क्या लगता है आपको कि उनका आगे कहाँ तक भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? तो भगवान की इच्छा है, वो बाकी उनकी मेहनत है, जो जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे मेहनत से तो आगे बढ़ेंगे। बाकी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपने हाथ से जब अपना कार्यकाल दे देंगे तो वो संभालेंगे। डांडा दंडाड़ा में है और ये हमारे पंचूर गांव के आदित्यनाथ जी हैं। हमें बहुत खुशी होती है, हमारे इलाके में मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो बेझिझक होके जाते हैं कि हम आदित्यनाथ के गाँव के हैं, उनको हम अपना भाई या अपना बेटा अपनी मतलब करीबी गांव के मानते हैं। नमस्कार, धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने पूरे समाज से इतनी सारी खबरों को समेट कर रखा है और आज का दिन तो इतना खुशी का दिन है हमारे लिए कि पूछो ही मत। हमारे योगी आदित्यनाथ इतने सालों से यहाँ पर आए हैं और माँ को मिलने जा रखे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। इतनी खुशी हमको हो रही है तो माँ को तो कितनी हो रही होगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी की ये जो विजिट है या ये जो कार्यक्रम है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आने वाले समय के लिए इस कार्यक्रम को सदैव याद किया जाएगा क्योंकि इस कार्यक्रम में 2 प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों का समागम हुआ है और उन्होंने उत्तरांचल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताया है कि आने वाले समय में उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्र से पलायन को कैसे रोका जा सकता है, किस तरीके से पलायन को रोकने के लिए क्या योजना बनाई जा सकती है, यहाँ के युवाओं में जो काबिलियत है, जो कार्यकुशलता है, जो बुद्धिमत्ता है,
उस बुद्धिमता का उपयोग वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाए उसका वो सबसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशी का तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जैसे बताऊँ कितनी खुशी हुई। मैं बैंगलोर जॉब करता हूँ और अभी छुट्टियों में घर आया हूँ, तो जैसे ही मुझे पता चला कि योगी जी का प्रोग्राम है यहाँ, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैंने अपने दोस्तों से बोला कि चलो अगर हो सकते हैं तो चलते हैं वहाँ, अगर चांस मिला तो मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं आपकी कितनी खुशी हुई होगी कि हम जो है कोरदार से यहाँ आए, तो बहुत अच्छा लगा कि अपने साथ का एक आदमी जो है इतनी अच्छी जगह पहुँचा है। सर, योगी आदित्यनाथ जी से जो प्रॉपर मुलाकात हुई थी वो तो कॉलेज टाइम के बाद, वैसे अभी कोरदार वो उसके लिए विधानसभा रितु खंडूरी जी के इलेक्शन में आए थे तो तब आमने सामने मुलाकात हुई थी, लेकिन तब उतनी तरीके से उस तरीके से बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि आज जो है जैसे हेलीपैड पर मैंने उन्हें प्रणाम करके कहा है मैं अमिताभ अग्रवाल, तो बोले और अमिताभ जी कैसे हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को पहचान गए और उन्होंने अभिवादन प्रॉपरली स्वीकार किया। शिक्षक के जीवन में कार्य में जो क्षेत्र में जो मैंने कार्य किया शिक्षक के रूप में उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।